सिंध हुकूमत पूरे पाकिस्तान को बोझ उठा के, आज भी सिंध के हॉस्पिटल्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स को इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। आज भी कराची जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने रोजगार के लिए। जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे कोई रोजगार के लिए नहीं जा रहा। कराची और सिंध के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं पूरे सिंध भर के, वो लोगों को मुफ्त में ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। आपके सूबों में तो हुकूमतें ही नहीं है, केपीके में हुकूमत का तस्वीर ही नहीं है। तालिबान माइंडसेट जो कि इमरान खान ने पैदा किया था, केपीके में पीटीआई की हुकूमत ने इनके मदरसों को फंडिंग की, किस तरीके से पीटीआई की हुकूमत ने तालिबान को वेलकम किया, फंडिंग दी गई कि उस फंडिंग से वो लोग जो है वो वेपन्स खरीदें, गोलियां खरीदें। उनके दौर में एपीएस का वाकया हुआ पीटीआई। तो उमर अयूब साहब, आपका फेल्यूर और आपके 3.5 साल तक जब आपका प्राइम मिनिस्टर था, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, डिजिटल दहशतगर्दी के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को वरगलाने के लिए, इदारों के खिलाफ बदतरीन और घटिया किस्म की साजिशें करने के लिए, या सोशल मीडिया पर जिस तरह आपने किया, आपने सिर्फ वो काम किया।